अक्सर जमीनी विवाद आपसी रंजिश की वजह बन जाती है। कई बार ये रंजिश खून खराबे तक भी पहुंच जाती है। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के लाखो थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते युवक से मारपीट की गई। युवकों को दबंगों ने इतना पीटा कि अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम राहुल बताया जा रहा है और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार कुछ दबंग उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे थे और दीवार खड़ी कर रहे थे। इसका विरोध करने पर उसे दबंगों ने घेर कर पीटा। सुबह में रोड कर आए, सुबह में जा रहे थे, मेरा बच्चा और मोहम्मद सिंह दोनों घास काटने के लिए जा रहे थे। कुछ चाचा भतीजा घास लाने के लिए जा रहा था। जो ढाला पर पहुंचा कि ढाला पर घात लगाए हुए कुछ बदमाश और रामाश्रय सिंह और उनका लड़का साके दोनों कहा कि यही है पकड़ो, यही है पकड़ो। चाचा बम सिंह भाग गया और उसके मेरे लड़का को राहुल को पकड़ कर और मुड़ी मेट दिया और मारपीट किया था। मृतक के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भीड़ उनके बेटे को मार रही थी तब लाखो थाने की पुलिस मौके पर तमाशबीन बनी हुई थी। वो पुलिस से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाते रहे लेकिन पुलिस ने उनकी गुहार को अनसुना कर दिया। घटना हुआ सर, हमारे जमीन पर बाउंड्री कर रहे थे, हम जब बाउंड्री को रोकने के लिए बारंबार तीन दिन से बाउंड्री कर रहे हैं और मैं जाकर रोकता हूँ। कल जाकर सब समाज मिल के सब बाउंड्री को रोकने के लिए प्रशासन को रमाश्रय बाबू खुद अपने आगे और प्रशासन को बुला लिए और पहलवान भी था उनके साथ। बदमाश आदमी आया और मारपीट शुरू कर दिया हमारे साथ। किनके बीच लड़ाई था, जमीनी विवाद? रमाश्रय बाबू डॉक्टर साहब के साथ साथ विवाद चल रहा है। तो आज क्या घटना हुआ? हम वही मारे सर, प्रशासन को बुलाकर मार खिलवाए। कौन मारपीट किए? लाखो थाना। कौन मारपीट किया आपको? लाखो थाना सर। कितने लोग लगभग था वहाँ पे? वहाँ पर करीब 50 लोग था। वही मामले में पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल लाखो ऑफिस क्षेत्र में दो पक्षों में जमीन में बाउंड्री का विवाद हुआ था, बाउंड्री करने को लेकर, जिसपे लाखो ओपी की पुलिस वहां पे गई थी और उससे संबंधित एक मुकदमा भी लाखो ओपी में दर्ज किया गया था। आज सुबह में राहुल कुमार अपने रिलेटिव के साथ जा रहा था तो दूसरे पक्ष के द्वारा जो है उसके साथ मारपीट की घटना की गई। उसको इलाज हेतु यहाँ सदर अस्पताल में लाया गया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा डेड बॉडी यहाँ लाकर प्रदर्शन किया गया, उनका फर्द बयान लिया गया है और उचित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किन लोगों पर आरोप लगा है? आरोप उनके विपक्षी के पर लगा है जिनके द्वारा बाउंड्री की जा रही है। क्या नाम है वो, कौन लोग है सर वो आरोप लगाए? कितने लोग पे आरोप लगाए हैं? चार लोगों पे आरोप लगा है जिसमें दो नामजद है और दो अज्ञात है। सर वो ये परिजन का ये भी आरोप है, पुलिस का जो भूमिका होना चाहिए वो संदेहास्पद था, उसका पुलिस के द्वारा भी मारपीट की गई है तो भी आरोप लगाया गया है। ये उनका आरोप है, आरोपों में जो सच्चाई है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो आज मामला इतना गंभीर नहीं होता। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। पंजाब के सीटीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।